डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑन कार्बोनिल ग्रुप। या मैं ये कह सकता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इस लेक्चर में यानी इस वीडियो में हम सिर्फ दो रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। इसमें एक एडिशन ऑफ HCN विद मैकेनिज्म और एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड विद मैकेनिज्म, दोनों का मैकेनिज्म देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें जो सुनने वाली हैं और देखने वाली हैं। सबसे पहले हम लेंगे एडिशन ऑफ HCN। पहले मैं रिएक्शन दिखाऊंगा, उसके बाद में इसका मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा। देखो, एडिशन ऑफ HCN में क्या होता है। HCN जो है ये एक वीक एसिड है, याद रखना, वीक एसिड एसिड। और फिर मैं बोल सकता हूं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पर इजिली न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं होता। लेकिन अगर हम इसको बेस की प्रेजेंस में डालेंगे, बेस की प्रेजेंस में, तो तब ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है इस पे, कार्बोनिल ग्रुप पे। सपोज यहां पे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में जो H है वो यहां पे ऐड होगा और CN जो है ये यहां पे ऐड होगा और हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। ये एल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। इसी तरह से अगर हमारे पास कीटोन होगा, कीटोन में भी अब देखो यहां पे H ऐड होगा और यहां पे CN ऐड होगा, तो यहां पे भी हमें साइनोहाइड्रिन मिलेगा, लेकिन इसे हम कहते हैं कीटोन साइनोहाइड्रिन। ये भी इन प्रेजेंस ऑफ बेस ही होता है। अब मैं इसका मैकेनिज्म दिखाऊंगा आपको, ये ऐड कैसे होता है। देखो, मैकेनिज्म में सबसे पहले आप दिखाएंगे रिएक्शन ऑफ HCN विद बेस, स्ट्रांग बेस, यानी वीक एसिड का स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन। तो होगा क्या, जब मैं OH- या सोडियम हाइड्रोक्साइड सपोज इसके साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो यहां पे NaCN बनेगा, प्लस बनेगा वाटर। या मैं ये कह सकता हूं कि ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन पे अटैक करता है और यहां पे ये बॉन्ड जो इधर आता है, ये बनता है H2O प्लस बनता है CN-। अब ये जो CN- है ये अब बन गया स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, ये अब इजीली कार्बन पे अटैक कर सकता है। कैसे, देखो ये है ऑक्सीजन, Δ-, कार्बन इज Δ+, राइट। तो ये CN- पॉजिटिव वाले पार्ट पे अटैक करेगा, यानी कार्बन पे अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि कार्बन ने यहां पर चार बॉन्ड बनाए थे, अब ये पांचवा बॉन्ड बन रहा है, तो पांच बॉन्ड तो नहीं बन सकते, इसलिए यहां पे जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, यानी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये बन गया CN का इसके साथ बॉन्ड, और यहां पे रह गया ये डबल बॉन्ड, हो जाएगा कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हुई तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्लियर। ये होगा पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में होता है जो हमें ऊपर वाटर मिला था, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये नेगेटिव चार्ज, यानी इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये इस वाटर मॉलिक्यूल के प्रोटॉन पे अटैक करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बाहर, यानी इसके साथ में प्रोटॉन इसके साथ, और ये नेगेटिव चार्ज, यानी ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक। तो मैं बोलूंगा यहां पर हमें इस तरह से, ये कार्बन है ना, ये कोई जनरल है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, क्योंकि कार्बन के साथ मैंने सिर्फ दो बॉन्ड दिखाए। अब यहां पे मैं दो और भी लिख सकता हूं, या एक तरफ से अल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन, ये इसके साथ जुड़ गया, तो यहां पे बन जाएगा OH, यहां पर रह जाएगा CN, यहां पर ये बॉन्ड, यहां पर ये बॉन्ड। अब पीछे क्या बचा, सिर्फ पीछे बचा OH-, यानी जो बेस हमने स्टार्टिंग में डाला था ऊपर, वो हमें वापस मिल गया। सो वी कैन से जो बेस है ये एक्ट करता है एज कैटलिस्ट, इसलिए वापस मिलता है। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर सपोज मेरे पास एस्टलडिहाइड, एस्टलडिहाइड का अगर मैं HCN के साथ रिएक्शन लगाऊं, तो यहां पे एस्टलडिहाइड का साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर H लगाना है और कार्बन के ऊपर CN, बहुत सिंपल रिएक्शन। इसी तरह से यहां पर एसीटोन के साथ में भी HCN मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो एसीटोन का साइनोहाइड्रिन। अब सपोज एस्टलडिहाइड का साइनोहाइड्रिन मिल गया, यहां पे एस्टलडिहाइड के साथ में HCN मैंने ऐड करा दिया, तो ये साइनोहाइड्रिन मिल गया। अगर मैं साइनोहाइड्रिन को हीट करता हूं
इन प्रेजेंस ऑफ एसिड याद रखना, अगर साइनोहाइड्रिन को या सीएन ग्रुप को याद रखना, आरसीएन भी अगर होगा ना, आरसीएन इसको अगर हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक वाटर, तो याद रखना ये सीएन इजीली कन्वर्ट होता है इनटू सीओओएच। ठीक, तो यहां पे भी ये साइनोहाइड्रिन जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सीएन ग्रुप सीओओएच ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पे जो एस्टेल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, लैक्टिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट एसिड जो है ना ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड है ये बना सकते हैं, या मेंडेलिक एसिड बना सकते हैं, अगर यहां पे फिनाइल ग्रुप लगा दिए तो यहां पे मेंडेलिक एसिड बनेगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन की। अब हम दूसरा रिएक्शन जो डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ये भी बहुत ईजी है। देखो सोडियम बाइसल्फाइड को हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कार्बोनल ग्रुप चाहे एल्डिहाइड हो या कीटून, इसका रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में लगाएंगे तो ये सोडियम बाइसल्फाइड कुछ इस तरह से इसमें ऐड होता है, यानी OH, ये जो O है इसके साथ में H ऐड हो जाएगा और SO3Na जो है ये यहां पे ऐड हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसका। अब ये जो बन गया यहां पे, ये जो ये कार्बोनिल का बाइसल्फाइड, अब मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में क्या होता है, हमें मालूम है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये एसिडिक साल्ट है ना, साल्ट है ये, तो ये ब्रेक जब होगा ये बनाएगा Na पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। ये HSO4 नेगेटिव जो ये है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यही पॉजिटिव पार्ट पे अटैक कर सकता है। ठीक है, अब देखो ये अटैक कैसा करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है डेल्टा पॉजिटिव, ये है डेल्टा नेगेटिव ऑफ कार्बोनिल, है ना, ये तो हमें मालूम है। ये कोई भी कार्बोनिल चाहे आप एल्डिहाइड ले लो या कीटून ले लो, अब ये जो बाइसल्फाइड है या हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे आप कहते हैं, इसमें याद रखना इसमें जो अटैक होता है यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो ये करता है, ये ऑक्सीजन के थ्रू नहीं करता बल्कि इस सल्फर के थ्रू करता है, ये बात याद रखना, क्योंकि ये सल्फर जो है, सल्फर का न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। देखो होता क्या है, इसमें ये नेगेटिव चार्ज जो इस पे आया था ऑक्सीजन पे, ये शिफ्ट होता है सल्फर की तरफ और सल्फर का जो लोन पेयर है वो अटैक करता है इधर। ठीक, अगर ये इधर अटैक करेगा तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, कार्बन सल्फर सिग्मा बॉन्ड, तो उस वक्त ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि कार्बन सिर्फ चार बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, देखो ऐसा ही हुआ, सल्फर का कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया और यहां पे जो पाई बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आया। अब देखो SO3H जो है ये एसिडिक है, ये एसिडिक है ना, एसिडिक, इसका एसिडिक नेचर, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर है, जबकि ये वाला जो यहां पे O नेगेटिव ये बेस है, तो यहां पे एसिड बेस रिएक्शन होती है। देखो कैसे होती है, ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन पे अटैक करता है और ये प्रोटॉन यहां से निकल के इधर चला जाता है, तो यहां पे OH और यहां पे बन जाता है SO3 नेगेटिव। अब आपको मालूम है ये जो है नेगेटिव चार्ज ये है यहां पे इजीली स्टेबलाइज हो सकता है थ्रू रेजोनेंस, इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा बर्दाश्त करता है, ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता, ये बात याद रखना, इसीलिए यहां पे प्रोटॉन यहां से यहां शिफ्ट होता है। यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। तो इसका मतलब यहां पे बन गया OH, ये बन गया SO3 नेगेटिव। अब जो ऊपर Na पॉजिटिव बचा था इधर, ये Na पॉजिटिव इस SO3 नेगेटिव के साथ मिलके SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव बनाता है, यहां पे OH आ जाता है, तो ये एल्डिहाइड का या कीटून का बाइसल्फाइड बन गया। तो ये था मैकेनिज्म इसका, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, बहुत ही इजी रिएक्शंस है। तो आपको ये याद रखना कि एसिड बेस रिएक्शन इंट्रामोलिक्यूलर भी हो जाती है, जिस तरह यहाँ पे ये जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, इसने इस एसिड से प्रोटॉन निकाल दिया, न्यूट्रल हो गया और ये नेगेटिव चार्ज इधर हो गया। अब ये ड्राइविंग फोर्स यही है कि ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, ये उतना स्टेबलाइज नहीं कर सकता। तो आई होप
या आपको समझ में आया होगा।